इन्फिनिटी ग्लाइड N120। दोस्तों आज जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है JBL की तरफ से एक ब्लूटूथ ईयरफोन। इसकी जो है मैं अनबॉक्सिंग वीडियो अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है मेरा वो रिप्लेस होने वाला है। रिटर्न क्यों होने वाला है ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए तो मैं इस प्रोडक्ट को एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ ये प्रोडक्ट है कैसा। तो ये जो है हमारा प्रोडक्ट था देखने में काफ़ी कूल सा है और साउंड क्वालिटी भी ठीक ही थी इसकी। बट सीन जो हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। जब ये मेरे पास प्रोडक्ट आया तो मैंने इसको एक दिन यूज़ किया। यूज़ करने के बाद जब इसकी बैटरी डेड हो गई थी, मतलब ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने इसको चार्जिंग पर लगा दिया। पहले जो है ये रेड लाइट शो करता है, जब ये चार्ज हो जाता है पूरा प्रॉपरली तो ये ब्लू लाइट शो करता है। तो जब इस ये फुल चार्ज हो चुका था, मैंने इसको चार्जिंग पिन से निकाला और उसके बाद जब मैंने इसको ऑन किया तो ये प्रोडक्ट जो है वो ऑन ही नहीं हुआ। मतलब इसका ब्लूटूथ जो है वो ऑन ही नहीं हो रहा था, काम ही नहीं कर रहा था। तो पहले तो मैंने एक दो बार ट्राई किया, फिर जब मेरे से नहीं हुआ तो मैंने सोचा क्या पता कोई और दिक्कत हो या रीसेट करना होता हो या कुछ होता हो। तो मैंने अपने दोस्त से पूछी तो उसने बोला एक बार रीसेट करके देख। तो मैंने इसे रीसेट करके भी देखा बट ये जो था वो रीसेट भी नहीं हो रहा था, मतलब ऑन ही नहीं हो रहा था, खाली बस ऐसी था ये डेड, एक तरह से डेड समझ लो। तो उसने मेरे से पूछी कि कौन से चार्जर से चार्ज किया। उसे लग रहा था कि मैंने हाई पावर से चार्ज कर लिया तो इसकी बैटरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, डेड हो चुकी है। बट ऐसा नहीं था, मैंने अपने घर में जो सबसे लो चार्जर था उससे चार्ज किया था। ये मेरे पास देखो, मैं दिखा देता हूँ आपके पास, ये मेरे पास ये चार्जर है। तो अगर मैं इस पर फोकस हो जा, हाँ, तो ये मेरे पास चार्जर था। 0. इनपुट जो है इसका 0.35 एम्पियर का है और आउटपुट जो है वो 5 वोल्ट 2 एम्पियर का होगा। तो ये सबसे मेरे पास लो चार्जर था तो मैंने जो है इससे चार्ज किया था। ओके, तो अब हुआ यूँ, तो मैंने इसे चार्ज तो कर दिया, जब ये डेड हो चुका था, काम नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोडक्ट में क्या पता रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट दे दिया हो या कुछ प्रोडक्ट दे दिया हो, मुझे नहीं पता, मैंने इसे सेल पे से मंगाया था। तो अब मैंने इसको क्या किया, रिप्लेसमेंट मैंने सोचा रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न की पॉलिसी बाकी थी मेरी, 2 नवंबर से पहले पहले रिटर्न मैं करवा सकता था, इसे रिप्लेस करवा सकता था। तो मैंने जो है इसका रिटर्न रिक्वेस्ट डाली। रिटर्न रिक्वेस्ट डालने के आइटम इज़ डिफेक्टिव समथिंग, ऐसे करके मैंने जो है रिटर्न रिक्वेस्ट डाली। बट रिटर्न रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव नहीं हो रही थी क्योंकि वो ये दिखा रहे थे कि अगर आपको कुछ भी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपको रिटर्न रिप्लेस कुछ भी करवाना है तो आप जाके ऑथोराइज सर्विस सेंटर पर करवाओ JBL के। तो अब ये रिटर्न रिक्वेस्ट भी अप्रूव नहीं हो रही थी तो मेरे को लगा कि शायद वहीं जाके करवानी पड़ेगी। बट मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था तो मैं क्यों जाऊँ। तो मैंने सिंपल सा जो है मैंने फ्लिपकार्ट वालों को कॉल किया, उन्हें अपने प्रॉब्लम बताई। उन्होंने भी पहले जो एक दो बंदों ने जो फ्लिपकार्ट के एजेंट थे उन्होंने जो फ़ोन उठाया उन्होंने यही बताया कि आपको वहीं जाके चेंज करानी पड़ेगी। बट एक बंदा था उसने मेरे से पूछी तो मैंने उसको सारी प्रॉब्लम बताई कि भाई ये कैसे ऐसा हुआ है, अब ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और मैं फ्लिपकार्ट से मैंने जो सामान मंगाया मैंने इसी वजह से तो मंगाया था कि मेरे को कहीं जाकर सामान खरीदना ना पड़े या कहीं जाके उसे वापस ना करना पड़े। अगर आप मेरी रिटर्न पॉलिसी बाकी है तो उसके अंदर तो आप ही रिप्लेस करवा के दोगे ना। तो उसने मेरी बात को समझा और फिर उसने जो है इसको मतलब काफ़ी चीज़ें मेरे से पूछी। उसके बाद उसने जो है रिटर्न रिक्वेस्ट वहाँ से अप्रूव करी, जैसे तैसे करके उसने कर दिया रिटर्न रिक्वेस्ट। तो आज जो है ये मेरा प्रोडक्ट जो है वो रिप्लेस होने वाला है। जो अनबॉक्स करूँगा मैं उस वक्त आपको इसके सारे फीचर्स बताऊँगा, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, ये ब्लूटूथ ईयरफोन जो है वो अच्छी है या नहीं है। उससे पहले जो है मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसके अंदर जो है मैं जब ये मैं चार्ज कर रहा हूँ तो चार्जिंग तो शो हो रही है, आपको दिखाता हूँ एक मिनट, मैं एक बार कनेक्ट कर लूँ इसको। तो ये जो है ये डाटा केबल उसी के साथ मेरे को दी थी उन्होंने चार्ज करने के लिए, बाकी उनके इसके साथ अडेप्टर वगैरह तो कुछ दिया नहीं, तो हम अपने अडेप्टर से ही चार्ज कर रहे हैं। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ब्लू लाइट शो कर रही है, यानी कि ये चार्ज फुल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा प्रॉपर चार्ज हो चुका है। अब ये ऐसे ही शो कर रही थी, अब मैं इसकी पावर का बटन दबा रहा हूँ तो ये रेड लाइट ब्लू लाइट ऐसे शो कर रही है बट ये ऑन नहीं हो रहा है।
अब मैं इसको मान लो रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये चार्ज तो है प्रॉपरली, इसको हम साइड में रखते हैं। अगर मैं आपको इसको ऑन करके दिखाऊं तो आप देखिए ये ऑन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने सारे बटन दबा के देख लिए हैं, प्लस माइनस प्लस सब कुछ, बट ये कोई लाइट शो नहीं कर रहा है और ना ऑन हो रहा है। क्योंकि ऑन होने पर जो है ये ना कोई साउंड भी, मतलब जो बोलता है कि ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर ऑन समथिंग, ऐसा कुछ बोलता है वो चीज़ शो करे, बट वो चीज़ भी इसमें जो है कुछ नहीं हो रहा था। मतलब प्रॉपरली एक तरह से मान लो कि ख़त्म है, ये डेड हो चुका है। ये थी मेरी प्रॉब्लम पूरी जो मैंने फेस करी है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई दिक्कत आती है इससे रिलेटेड, या ईयरफोन से रिलेटेड, ब्लूटूथ ईयरफोन से, या ऐसे दिखाता है कि रिटर्न पॉलिसी के अंदर अंदर भी आपको ऑथोराइज सेंटर जाना पड़ेगा, तो आप जो है वो फ्लिपकार्ट एजेंट से बात कर लेना। अगर आपकी फ्लिपकार्ट आईडी से अगर रिटर्न नहीं हो रहा है तो आप फ्लिपकार्ट एजेंट से बात करके उन्हें अपनी प्रॉब्लम समझा के जो है इसको रिप्लेस करवा देना या रिटर्न करवा देना किसी भी प्रोडक्ट को।